नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादकीय शिक्षा का ढांचा बदल सकते हैं वर्चुअल स्कूल, जयपुर, दिनांक 11 मार्च 2021, गति 85 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में ऐलान किया है कि वह पहला वर्चुअल स्कूल खोलेगी जिसमें कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़ सकेगा। विराम। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद पूरी दुनिया में वर्चुअल शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। संक्रमण के डर से स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़े, इसका विकल्प ऑनलाइन शिक्षा बनी। विराम। तकनीक ने कुछ हद तक विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर होने दिया, यह अलग बात है कि ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर सवाल भी उठे। विराम। जैसे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, इंटरनेट पर गलत दिशा में बढ़ने का खतरा भी बढ़ा। विराम। इसके बावजूद शिक्षा का यह माध्यम उपयोगी साबित हुआ। कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही शिक्षण संस्थान खुलने लगे हैं। पैरा। खैर, कोरोना काल में स्कूलों में पढ़ाई का विकल्प तो तलाश लिया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वर्चुअल क्लास के लिए जो जरूरी संसाधन चाहिए थे वे हर किसी के पास उपलब्ध नहीं थे, खासकर ग्रामीण इलाकों में और सरकारी स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों के पास। विराम। ऐसे में उनकी पढ़ाई काफ़ी हद तक प्रभावित भी हुई है। विराम। एक आंकड़ा कहता है कि कोरोना के कारण दुनिया भर के 90% बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। विराम। हर बच्चे के लिए यह विकल्प उपलब्ध कराना कि वह ऑनलाइन के जरिए इस स्कूल से जुड़ सकता है और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकता है, एक बेहतरीन कदम है। विराम। इस तरह के प्रयास दूसरे राज्यों में भी होने चाहिए। सरकारी स्तर पर अगर ऐसे स्कूलों की शुरुआत की जाएगी तो निजी स्कूलों की मनमानी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा घर बैठकर भी मिल सकेगी। विराम। ओपन स्कूल या ओपन विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे प्रयोग पहले से चल रहे हैं जिनमें दाखिला लेने के बाद किसी स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती। विराम। इन ओपन स्कूलों और ओपन विश्वविद्यालयों को तकनीक से जोड़कर वर्चुअल स्कूल या वर्चुअल विश्वविद्यालय में बदला जा सकता है। विराम। पैरा। हालांकि इसके साथ ही सरकार को यह भी सोचना होगा कि वह जिनको यह शिक्षा मुहैया कराने की योजना बना रही है उनके पास इसके लिए जरूरी संसाधन है या नहीं। सरकार को इसके लिए भी पर्याप्त प्रबंध करने होंगे जिससे शिक्षा पर समान अधिकार बना रहे। यह सही वक्त है जब हमें अपनी शैक्षिक व्यवस्था के नए प्रयोगों की शुरुआत करनी चाहिए। एक नए सिरे से इस पूरे
सिस्टम को देखना चाहिए एक ढर्रे पर चलकर हम क्या हासिल कर लेंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम नवाचार करें और बेहतरीन शिक्षा अपने बच्चों को उपलब्ध कराएं, जिससे वे अपना सर्वांगीण विकास कर देश के विकास में भागीदार बन सकें। विराम।